सो हेलो एवरीवन, माय साइंस वीडियो की इस नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स पार्ट 3 के बारे में। आज की क्लास में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ये चैप्टर खत्म कर दिया था, आज हम एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो ये वीडियो जो है हमारी स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो होने वाली है, तो चलिए हम इसको डिस्कस करने के लिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो चलिए हम एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। इसकी एक्सरसाइज में दोनों किताबों में, एनसीईआरटी की किताब में भी और जेएनके बोर्ड की किताब में भी सिमिलर क्वेश्चंस हैं। दोनों में सेम क्वेश्चंस हैं, सात सात क्वेश्चंस हैं दोनों में। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। नेम फाइव ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम वुड। आपने पांच चीजों के नाम बताने हैं, पांच ऑब्जेक्ट्स के नाम बताने हैं जो लकड़ी से बनते हैं। तो आंसर है द फाइव ऑब्जेक्ट्स विच आर मेड ऑफ वुड आर चेयर, डोर, टेबल, विंडो, बोट एंड हॉकी। और भी बहुत सारे हैं, मैंने पांच की जगह यहां पर छह आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर टू, सिलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। इन में से आपने वो ऑब्जेक्ट लिखने हैं जो शाइन करते हैं, जो चमकते हैं। यहां पे दिए हुआ हमारे पास ग्लास बॉल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट। अब इनमें से कौन सी चीजें हैं जो चमकती हैं? तो ग्लास बॉल एंड स्टील स्पून आर ऑब्जेक्ट विच शाइन। They are termed as lustrous material. जिनकी शाइन होती है उनको हम lustrous material कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थ्री है, match the objects given below with materials from which they could be made from. यहां पर कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और आगे materials दिए हुए हैं। आपने इनको मैच करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस मटीरियल से बन सकता है। तो यहां पर सबसे पहले बुक दिया हुआ है, तो बुक जो है वो पेपर से बनती है। टम्बलर, टम्बलर मतलब हमारा जो ग्लास होता है। अब ये ग्लास शीशा, ये शीशे का ग्लास हो सकता है या प्लास्टिक का ग्लास भी हो सकता है। चेयर, हमारी जो कुर्सी है वो किसकी हो सकती है? वुड की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है। टॉय, हमारे खिलौने किसके हो सकते हैं? प्लास्टिक के हो सकते हैं, वुड के भी हो सकते हैं। शूज, शूज हमारे लेदर के होते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री। आगे पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ आप मेरी इस चैप्टर पे बेस्ड जो पिछली दो वीडियो है वो आप देख लीजिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए सारे कॉन्सेप्ट्स जो आपके हैं, सारे जो आपको कन्फ्यूजन हैं इस चैप्टर को लेकर, वो आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर फोर है, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू आर फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, कौन सी फॉल्स हैं, आपने लिखना है। फर्स्ट है, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपैक। स्टोन ट्रांसपेरेंट है और ग्लास ओपैक है। अब अगर आपको ट्रांसपेरेंट और ओपैक के बारे में पता नहीं है, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर वीडियो देख लें, वहां पर आपको सारी चीजें डिटेल में समझाई गई हैं। चलो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है ऐसी चीजें जिनके आर पार हम देख सकते हैं, ओपैक ऐसी चीजें होती हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन वीडियो में मैंने इसको लेकर एक्टिविटी भी की हुई है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। अब स्टोन के आर पार हम नहीं देख सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन यहां इसको ट्रांसपेरेंट लिखा हुआ है, तो ये है फॉल्स। दूसरा है, अ नोटबुक हैज अ लस्टर व्हाइल इरेजर डज नॉट। नोटबुक में लस्टर है लेकिन इरेजर में नहीं। तो इन दोनों में लस्टर नहीं है, दोनों में से कोई सी चीज नहीं चमकती है, तो ये फॉल्स है। चाक डिजॉल्व इन वाटर। चाक जो है हमारा, चाक पाउडर जो है वो पानी में जज्ब हो जाता है, तो नहीं होता है, ये भी फॉल्स है। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। लकड़ी का टुकड़ा जो है वो पानी पे फ्लोट करता है। तो हमने जो लास्ट वीडियो चैप्टर इसकी पार्ट टू इसमें किया था, जो पार्ट टू हमने पढ़ा था, उस वीडियो में हमने एक्टिविटी करके देखी थी कि वाटर पे जो है वो लिक्विड, वाटर पे जो वुड के पीसेस हैं वो फ्लोट करते हैं, तो हम यहां लिखेंगे ट्रू। अब है, शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। तो फॉल्स है, मैंने उसमें बताया था सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल मटेरियल्स के बारे में, तो ये फॉल्स है क्योंकि इसमें शुगर जो है पानी में डिजॉल्व हो जाती है। ऑयल मिक्सेस विद वाटर, तो नहीं होता है, ऑयल जो है वाटर से हल्का होता है, वो ऊपर एक लेयर बना देता है, वो फ्लोट करता है, मिक्स नहीं होता है, तो फॉल्स है। सैंड सेटल्स डाउन इन द वाटर, ये भी हमने एक्टिविटी में किया था, जब मैंने साल्ट और सैंड को अलग अलग टम्बलर में डाला था पानी में, तो क्या हुआ था, जो साल्ट है वो डिजॉल्व हो गया था, सैंड नीचे सेटल हो गई थी। विनेगर डिजॉल्व इन वाटर, तो बिल्कुल ये डिजॉल्व हो जाता है, इसको विनेगर को एसिटिक एसिड भी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फाइव है, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब,
एप्पल, अर्दन पिक्चर, ग्रुप देम एज। अब आपने इनके ग्रुप बनाने हैं। कैसे ग्रुप बनाने हैं? पहला राउंड शेप, राउंडेड शेप एंड अदर शेप। दूसरा ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स, यानी कि पहले हमने पहला जो ग्रुप बनाना है उसमें हमने एक साइड डालने हैं राउंड शेप ऑब्जेक्ट, दूसरी साइड डालने हैं अदर शेप वाले ऑब्जेक्ट, और दूसरा जो ग्रुप बनाना है उसमें एक साइड से ईटेबल्स जो खाने वाली चीजें हैं, दूसरी साइड से नॉन ईटेबल्स। ठीक है, तो पहली ग्रुपिंग है राउंड शेप एंड अदर शेप। तो यहां पर राउंड शेप की अगर हम बात करें तो बास्केटबॉल राउंड शेप है, एप्पल राउंड शेप है, ऑरेंज राउंड शेप है, ग्लोब राउंड शेप है, अर्दन पिचर राउंड शेप है, वाटर की कोई शेप नहीं है, शुगर छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं शुगर के। अब ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स, अब यहां पर वाटर जो है इसको हम कंज्यूम करते हैं, ऑरेंज को भी कंज्यूम करते हैं, एप्पल को भी कंज्यूम करते हैं और शुगर को भी कंज्यूम करते हैं। ये चीजें खाने वाली हैं, ईटेबल्स का मतलब खाने वाली चीजें। अब नॉन ईटेबल्स बास्केटबॉल को खा नहीं सकते, ग्लोब को खा नहीं सकते और घड़े को भी नहीं खा सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब है क्वेश्चन नंबर 6। लिस्ट ऑल द आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन। आपने यहां पर एक लिस्ट देनी है, आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं जो कि आपको पता है और जो पानी पे फ्लोट करते हैं। अब क्वेश्चन का आंसर है, फॉलोइंग आर सम मटेरियल्स व्हिच फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, प्लास्टिक बॉल, पीस ऑफ वुड, बैलून, कॉर्क, थर्मिकोल एटसेट्रा। These materials also float on the surface of oil and kerosene. हमने जब चेक किया तो ये मटेरियल जो ऑयल और केरोसिन की सरफेस है उस पर भी फ्लोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। इन में से आपने एक जो है उसको बाहर निकालना है जो ऑड है। यहां पर जैसे पहला है ए पार्ट है चेयर, बेड, टेबल, बेबी एंड कबर्ड। इन सभी में सिर्फ बेबी जो है वो लिविंग है, बाकी सारी नॉन लिविंग चीजें हैं। यहां पर बेबी ऑड है क्योंकि ये सारे नॉन लिविंग है, बेबी लिविंग है तो हम बेबी को अलग करेंगे। रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। आप देखो यहां पर चार जो हैं वो फ्लावर्स के नाम हैं। बोट का मतलब किश्ती होता है तो बोट ऑड वन आउट है, ऑल अदर्स आर फ्लावर्स। एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड सैंड। अब यहां पर देख लो, एल्युमिनियम मेटल है, आयरन मेटल है, कॉपर मेटल है, सिल्वर भी मेटल है, लेकिन सैंड जो है ये एक नॉन मेटल है, हम सैंड को ऑड वन आउट करेंगे। अब अगला है शुगर, साल्ट, कॉपर सल्फेट। अब देखो शुगर भी डिजॉल्व होता है पानी में, साल्ट भी और कॉपर सल्फेट भी, लेकिन सैंड सेटल हो जाती है नीचे, सैंड इनसॉल्युबल है, हम इसको ऑड वन आउट करेंगे। तो ये तो हो गया एक्सरसाइज की बात, इसके साथ ही हमारा यूनिट खत्म हुआ। अब अगली क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक, कमेंट, शेयर ही हमारे लिए एक मोटिवेशन का सोर्स है। तो चलिए अभी के लिए अलविदा, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब बात करेंगे एक नए टॉपिक पर।